हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑन वर्कआउट नीटिंग। आज मैं आपके साथ ये स्पेशली लेडीज़ कार्डिगन का पैटर्न शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, ये देखिए चैंस बनी हुई हैं और बीच में अगर हम देखें तो लहरिया सा बन रहा है। होल्स बन के ऊपर चैन बनती है और चैन घूमते घूमते ऊपर जाती है। जब भी हमने इसमें स्टिचेस लगाने हैं तो 5 के मल्टीपल में लगा के 2 स्टिच हमने एक्स्ट्रा लेने हैं अपने पैटर्न को सेट करने के लिए, और 2 और लेने हैं एज स्टिच, एज बनाने के लिए, ताकि इसमें स्मूदनिंग बनी रहे। तो बहुत आसान है और ये टोटल 6 रो में बन के रेडी हो जाता है। बैक साइड से इसका लुक कुछ ऐसे नज़र आता है, जैसा कि आप देख सकते हो कि कितना सुंदर जालीदार पैटर्न है। ये बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 19 स्टिच कास्ट ऑन किए हैं, तो बनाना शुरू करते हैं। पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, 2 फंदे उल्टे। धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। एज स्टिच को छोड़ के हमारे यहाँ पर 5 स्टिच हो गए हैं और ये 5 स्टिच का ही पैटर्न है। यहाँ पर पैटर्न रिपीट हो रहा है, फिर से 2 फंदे उल्टे, 2, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। धागा आगे, फिर से पैटर्न रिपीट होगा, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके, 3 फंदे सीधे, 2, 3। और ये 2 फंदे लास्ट में हमारे आ गए एज स्टिच के, सॉरी जो हमने एक्स्ट्रा रखे हैं ना पैटर्न को सेट करने के लिए। धागा पीछे करके ये एज स्टिच, इसको हम सीधा बना लेंगे। रॉन्ग साइड, सेकंड रो, इस फंदे को हम ऐसे स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे करेंगे। क्या करेंगे, रॉन्ग साइड में जो फंदे हमने सीधी तरफ से उल्टे बनाए थे उनको हम सीधा बनाएंगे और जो सीधे बनाए थे उनको हम उल्टा बनाएंगे। ये 2 फंदे हमारे आएंगे उल्टे सीधी तरफ से, और रॉन्ग साइड से इनको सीधा बना लेंगे, 1, 2। ये सीधी तरफ से हमने उल्टे बनाए थे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जो हमने 3 फंदे सीधे बनाए थे उन 3 फंदों को हम उल्टा बना लेंगे, 1, 2, 3। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3। धागा पीछे करके 2 फंदे बना लेंगे हम सीधे, धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। ये हमारा एज स्टिच, ऐसे हमारी 2 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम आ गए हैं थर्ड रो पे। थर्ड रो में क्या करेंगे, एज स्टिच को स्लिप कर लेंगे, 2 फंदे उल्टे। ये जो हमारे 2 फंदे उल्टे हैं ये ऐसे ही रहेंगे, इनमें ट्विस्ट आएगा, धागा पीछे करेंगे, धागा पीछे करके ऐसे धागा रैप कर लेंगे। देखिए धागा पीछे किया, उल्टे फंदे बनाने के बाद ऐसे पीछे किया और ऐसे धागा रैप कर लेना है नीडल पर, और 2 फंदों को हमने ट्विस्ट करना है। जो सेंटर वाला है ना उसको हमने बीच में से आगे ले आना है, ऐसे करके। सेंटर वाला फंदा था जो मैंने आगे कर लिया है, 2 फंदों को ट्विस्ट किया है,
लेकिन क्या करेंगे, इन दो फंदों के साथ हम तीसरा फंदा भी ले लेंगे और तीनों को एक साथ बुन लेंगे। ऐसे तीन फंदों को मैंने एक साथ बुन लिया, धागा आगे किया, फिर से धागा रैप करेंगे ऐसे नीडल पर और दो फंदे उल्टे बना लेंगे, एक एक दो। देखिए मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पर मैंने तीन का एक किया तो हमारे दो फंदे कम हो गए। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें मैंने एक जाली पहले डाली है और एक जाली एक जो बुने हुए फंदे के बाद डाली है, तो हमारे फंदे कम नहीं हुए हैं, यहाँ पर हमारे फंदे पूरे ही हैं। यहाँ पर ना तो कोई फंदा बढ़ता है और ना ही कम होता है। धागा पीछे करेंगे, फिर से धागा रैप करेंगे ऐसे नीडल पर, दो फंदों को हम ट्विस्ट कर लेंगे, जो आगे था उसको सेंटर में ले आएंगे और जो सेंटर में है उसको आगे ले आएंगे। तीन फंदों को एक साथ बुन लेना है। धागा आगे करेंगे, देखिए तीन फंदों को एक साथ बुना तो एक फंदा बन गया। एक जाली तो मैंने ऑलरेडी डाल ली है, एक जाली ऐसे करके और डाल लेंगे ताकि हमारे फंदे कम ना हो, और दो उल्टे फंदे बना लेंगे ऐसे। यही प्रोसेस हमने पूरी रो में रिपीट करना है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है इतना। तो ऐसे करके हमने ट्विस्ट कर लेना है इनको, फ्रंट वाला है जो वो सेंटर में ले जाना है और सेंटर वाला है जो फ्रंट में ले आना है, और तीन फंदों को एक साथ बुन लेना है। धागा आगे करके ऐसे धागा रैप कर लेंगे, जाली डाल लेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करके एज स्टिच को सीधा बना लेंगे। बैक साइड से सेम प्रोसेस रहेगा, जैसा कि मैंने बताया था आपको, जो सीधे हैं उनको उल्टा बनाएंगे और जो उल्टे हैं उनको सीधा बना लेंगे। पता चल जाता है हमने कौन सा उल्टा बनाया है कौन सा सीधा, पहले दो सीधे आ गए। तो देखिए यहाँ पर तीन फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, चाहे वो जाली डाली हुई है चाहे सिंपल बुना हुआ है। ये जाली वाला फंदा है हमारा एक, ये बुना हुआ दो, ये फिर से जाली वाला तीन। हो गए ना हमारे तीन फंदे पूरे, दो फंदे आ जाएंगे हमारा सीधे जो उल्टे थे ऐसे। इन तीन फंदों को हमने उल्टा बना लेना है। दो फंदे हमारे जाली वाले हैं और एक फंदा हमारा बुना हुआ है। ऐसे करते हुए हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। यहीं पर हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई। अब हम आ गए हैं फिफ्थ रो राइट साइड। फिफ्थ रो में क्या करेंगे, पहले फंदे को स्लिप करने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे बनाएंगे हम उल्टे, धागा पीछे एक फंदा सीधा। अब पहले हमने एक फंदा सीधा बना लेना है और सीधा फंदा बनाने के बाद ऐसे फिर से धागा रैप करके जाली डाल लेनी है, और ये वाला फंदा है इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे ऐसे, और इन दो फंदों को ऐसे बुन लेंगे एक साथ, दो का एक कर देंगे, और तीन के तीन फंदे फिर से हमारे पूरे हो गए। धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे, तीन में से पहले फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा पीछे करके धागा रैप करेंगे और जाली डाल देंगे, इस फंदे की डायरेक्शन चेंज कर देंगे। डायरेक्शन चेंज करने के बाद दो को एक साथ बुन लेना है, दो का एक बना देना है। धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे एक फंदा सीधा, ऐसे जाली डाली, इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करेंगे,
और दो का एक कर देंगे। ये हमारे दो फंदे लास्ट में आएंगे उल्टे और ये एज स्टिच। रॉन्ग साइड से सेम, जो जैसा नज़र आता है उसको वैसा ही बनाएंगे। जो सीधे नज़र आ रहे हैं उनको सीधा बनाएंगे, जो उल्टे नज़र आ रहे हैं उनको उल्टा बनाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे करते हुए हमने रॉन्ग साइड से भी ये रो कंप्लीट कर लेनी है। तीन फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे धागा पीछे करके। ये है हमारी सिक्स्थ रो। इसी के साथ हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। ऐसे देखिए, इसके बाद हमने स्टार्टिंग से जैसे किया था, दो उल्टे तीन सीधे, दो उल्टे तीन सीधे, फिर से हमने वही प्रोसेस रिपीट करना है। और जब हम लंबा बना लेते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट होता है तो बहुत सुंदर लगता है ये पैटर्न। तो अगर आपको मेरा पैटर्न पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।